दोस्तों शाम का वक्त हो चुका था, 6 बज चुके थे घड़ी पे और हम लोग पहुंच चुके थे दुर्ग जंक्शन पर। और हम जब पहुंचे तो हमारे पहुंचते ही हमारी ट्रेन भी पहुंच गई, जिसका नाम था समरसता एक्सप्रेस, जो कि तकरीबन 4 घंटे से 5 घंटे लेट चल रही थी। तो दोस्तों शाम का उजाला ख़त्म होने के बाद रात के अंधेरे की शुरुआत हो रही थी और हम लोग भी अपनी सीट पे बैठे हुए थे ट्रेन की। और इस ट्रेन के बोगी के बाहर लिखा हुआ था 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसे हर ट्रेन पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और हम लोग थे राजनांदगांव स्टेशन पे दोस्तों, और हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। रात का समय था, ठंडी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बहुत ही कम लोग आपको नज़र आएंगे। और कुछ इस तरह से हमारे राजनांदगांव का आपको साइन बोर्ड नज़र आए, कुछ इस तरीके से दोस्तों सुंदर सा दृश्य आपको हमारे ट्रेन के अंदर का दिखेगा। और जब हम ट्रेन के बाहर देखेंगे तो हम पहुंच चुके होते हैं डोंगरगढ़ के करीब, और यहां से माता के मंदिर का खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आप लोगों को। फिर दोस्तों हम देखते हैं हमारी ट्रेन में, तो यहां पे कुछ छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबीज बैठे हुए हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, और एक अंकल जी आराम से सोए हुए हैं, और भी बहुत सारे यात्री यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और हम लोग पहुँच जाते हैं दोस्तों डोंगरगढ़ स्टेशन पर, और रात के 10 बज चुके हैं तकरीबन। तो यहाँ भी अभी ऑफ सीजन है तो बहुत ही कम भीड़ है दोस्तों। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि नवरात्रि के वक्त यहाँ कितना भीड़ होता है। और यहाँ से माता का मंदिर आपको फिर से देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा। तो माता से हमने आशीर्वाद लिया और मनोकामनाएं की। ये रास्ता है माता के मंदिर जाने का दोस्तों, यहाँ से आप लोग जा सकते हो सीधा। और हम लोग हैं इतने स्पेशल कि रोक दिया गया हम लोग के लिए, बस कुछ कदम की दूरी है, जा सकते हम लोग। भाई आ रहा है अपना, चढ़ जाओ भाई। भाई उस पार से स्कूल में निकला बाहर, तो ये भाई अपना चल दिया उस पार दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन बहुत ही देर तक खड़ी रहती है, फिर बाद में पता चलता है कि किसी ने हमारी बोगी से ही चेन पुलिंग कर दी है, और इसलिए ये हवा की आवाज़ आ रही है, मतलब एयर की। बहुत देर हम वहाँ रुके रहते हैं, और उसके बाद फिर पीछे से दूसरी ट्रेन आ जाती है, उसको पासिंग करने के लिए कुछ देर और हमें रुकना पड़ता है। तो ये ट्रेन आ रही थी बहुत ही स्पीड से और चले जाती है। और इस ट्रेन को देखने से पता चलता है दोस्तों कि यह हमारी लोकल ट्रेन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें सुविधा देती है सफ़र के दौरान। और हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों गोंदिया जंक्शन में। काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे नज़र आती है, खूबसूरत सा हमारा ट्रेन का नेम प्लेट नज़र आता है, कहाँ से कहाँ को जा रही है हमारी ट्रेन। और फिर उसके बाद नए साल की जो रात होती है, तो यहाँ पे खूबसूरत सा एक मेला नज़र आता है, जो कि रात के समय भी चल रहा होता है, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर वाला नाइट होता है 31st का। और हम लोग भी साथ में हैं अपना भाई, और इधर एक सोया अंकल भी अपने साथ, और बाकी सब लोग सो रहे हैं। चलोगे फिर दोस्तों हम लोग चेहरे में अपनी बड़ी सी स्माइल लेके बढ़ते हैं अपने सफर की ओर आगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग भी खुशी खुशी अपने नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ट्रेन में, बिकॉज ये ट्रेन बहुत लेट है और हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन प्लान कुछ और हो गया क्योंकि ट्रेन लेट हो गई। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की ओर, सभी कोई मिलजुल के, सभी लोग लुत्फ उठा रहे हैं अपने अपने सफ़र का, कोई हेडफोन लगा के गाना सुन के लुत्फ उठा रहा है, तो कोई मोबाइल चला के लुत्फ उठा रहा है, और हम अपना काम करके लुत्फ उठा रहे हैं, और मेरे दोस्त मुझे देख के लुत्फ उठा रहे हैं। और भाई तो अपना सोया हुआ है गहरी नींद में, बोलते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने, देख लो जो चाहे वो कर सकते हो। इनसे मुझे दोस्त ये सीखने मिला कि अपना काम हमेशा
पूरी लगन से करना चाहिए, चाहे दिन कोई भी हो। और भैया नया साल बनाना चाहिए यार, पटरी में जा रहे हो रात को। आपके लिए शुभकामनाएं मेरे तरफ से। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यह खूबसूरत सबरिज नागपुर का है और यह नजारा आप लोगों को नागपुर स्टेशन पहुंचने के कुछ ही क्षण पश्चात नजर आएगा। दोस्तों यह ब्रिज को बनने में लगभग 10 से 12 साल का समय लगा और यह ब्रिज को दोस्तों राम झूला के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नाम इस दोस्तों ब्रिज का केबल ब्रिज है, जो कि बिना पिल्लर के इस जगह पे खड़ा है, यानी कि सिर्फ एक ही पिल्लर है जो कि सेंटर पे है और कहीं पे पिल्लर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे से लगभग 20 पटरियां गई हुई है। और ये नागपुर का बहुत ही पुराना स्टेशन है, तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस ब्रिज को बनाया गया। और यह खूबसूरत सा अंदर का नज़ारा हमारे महाराष्ट्र पर्यटन विभाग का नज़र आएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको फोटो नज़र आएगी स्वामी विवेकानंद जी की, और फिर हम देखेंगे तो बाबा अंबेडकर साहब जी की फोटो आपको नज़र आएगी। बहुत सारे यहाँ पे चीज़ भी रेलवे के द्वारा दोस्तों लिखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ हमारे बाबा साहब का फोटो को लगाया गया है। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे हमारे नागपुर स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ व हलचल दिखाई देगी आपको। नागपुर स्टेशन के बाहर निकलने पे यह स्टीम इंजन नज़र आएगा, जो कि कोयला और भाप के द्वारा पटरियों पर दौड़ती थी। यहाँ पे सो पीस के लिए रखी हुई है और कुछ इस तरीके से खूबसूरत सा बेहद नागपुर स्टेशन आपको दिखाई देगा, जैसे कोई हवेली हो। हमारे भारत की शान नागपुर जंक्शन। तो रात को जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं अपने रूम और जाते हैं सो और उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह हो चुकी होती है दोस्तों। और खूबसूरत सा नज़ारा हमारे रूम के बाहर का आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में तो यहाँ पे आप लोगों को बेहद ही ऊँची ऊँची इमारतें नज़र आएगी, खूबसूरत सी हरियाली के बीच। लगभग वो इमारत मुझे लगता है 20 मंजिल की होगी। दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं और जाते हैं फ्रेश होने, और फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं आगे की ओर ब्रेकफास्ट करके। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत सा लॉयन का, शेर का चित्र यहाँ पे बनाते हुए आपको भाई एक नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से इस कला को प्रदर्शित कर रहे हैं एक दीवार पे। और हम लोग दोस्तों फिर पहुंच जाते हैं ये वर्ल्ड फेमस नागपुर के महाराज बाग पे। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि एक तारीख का दिन होता है जनवरी का, और हम लोग भी आए हुए हैं दोस्तों इस जगह को देखने और इस जगह का लुफ्त उठाने। तो चलते हैं हम लोग आगे और आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों टिकट कटाने के लिए, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है नए साल के दिन कि पैर रखना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर आप नागपुर आएँ तो इस जगह ज़रूर आएँ घूमने अपने परिवार के साथ और इस खूबसूरत लम्हे का लुफ्त उठाएँ। जैसा कि हम टिकट लेने जा रहे थे, टिकट लेने तो मेरा दोस्त पहुंच चुका था दोस्तों, उसने टिकट लिया और हमने शूट किया। कुछ इस तरीके से टिकट का काउंटर था दोस्तों, जहां से हमें टिकट उपलब्ध हो रही थी। बहुत ही सुविधाजनक जगह थी ये हमारे लिए। यहाँ दोस्तों सभी लोग बेहद उत्सुक थे इस महाराज बाग का लुत्फ उठाने के लिए, और सभी लोग जिस तरीके से एकजुट हुए थे, और हम लोग भी उतने ही उत्सुक थे क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे थे। दोस्तों अगर आप कभी इस जगह पे आए हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट करके हमें बताएं, और हम चलते हैं इस जू के अंदर तो देखते हैं यहाँ पे बच्चे लोग के खेल कूद करने का बहुत ही सुंदर सा पार्क है। और यहाँ
पे एक बोर्ड दिखाई देगा जिसे आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कोई भी भूल चूक की संभावना नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक और साइन बोर्ड मिला नजर आएगा और इस पे लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट, आप चाहें तो चॉइस कर सकते हैं। तो हम चॉइस करते हैं लेफ्ट की ओर दोस्तों, रोज गार्डन हम जाएंगे और यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं अंदर की ओर, कोई लेफ्ट जा रहे हैं तो कोई राइट, कुछ लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ के पेड़ को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो यह जूम कितना पुराना होगा दोस्तों। यहाँ कर बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं, यहाँ से हमारे प्रकृति का और ऑक्सीजन ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर पेड़ नज़र आएगा दोस्तों आपको। यह पेड़ बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कम देखने मिलता है पूरी दुनिया में, इस तरीका का यह पेड़ मैंने देखा और मुझे देख के इसे बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे छोटा सा पार्क बना हुआ है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अंदर की ओर जा रहे हैं और एक भाई का लेस खोल गया था। और फिर हम चलते हैं दोस्तों, यह जो सामने आपको नज़र आ रहा है उस प्राणी संग्रहालय के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारा दोस्तों फिश टैंक और बहुत सारे जलीय जीव नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शार्क करके लिखा हुआ है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे में एक फिश टैंक है जिसपे एक फिश है, एक नहीं है बहुत सारी फिश है। उसके बाद ये दोस्तों फिश है, सुंदर सुंदर यहाँ फिश रखे हुए थे, मछली जिसे हम देखे और लुफ्त उठाए। इस मछली को दोस्तों बोलते हैं एलिगेटर, एलिगेटर मछली, एलिगेटर फिश। यह एलिगेटर के जैसे इसका सामने का मुख कुछ इस तरीके का, तो मैंने ये पहली बार देखा दोस्तों। अगर आपने भी पहली बार देखा तो जरूर कमेंट करें। फिर दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी फिश घूम रही है बेचारी, व्हाइट कलर की सुंदर सी, दो हैं ये तो, दोनों फिश घूम रहे हैं और तीन चार थे। और उसके बाद हम देखते हैं चिकलेट, इस फिश का नाम है दोस्तों चिकलेट। फिर उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों ऑस्कर फिश, ऑस्कर फिश भी बहुत ही सुंदर होती है लेकिन वो सो रही होती है। फिर दोस्तों ये वाली फिश बहुत ही ज़्यादा ही, पे हम देखते हैं दोस्तों कछुआ जो कि बहुत सारा है, दो से तीन कछुए यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं और लोगों को देख रहे हैं कि आज उन्हें देखने आए हैं बहुत सारे लोग। फिर दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं एक और फिश जो कि सो रही है, उसके बाद इसको गोल्डन फिश ही बोलते हैं, इसका कलर आपको देख के पता चल गया होगा, सही सोचा आपने। और ये लोग भी घूम रहे हैं दोनों, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये वाली फिश भी बहुत सुंदर थी, इसकी आंखें देखो दोस्तों, एक और है ब्लैक कलर का, वाओ। कुछ इस तरीके से और भी लोग जुटे हुए हैं देखने खूबसूरत मछलियों को जिसे आप लोगों ने अभी देखा। यहाँ पे भाई मछली का सेल्फी ले रही है, शायद कॉल में बात करा रहे किसी से अपने फोन से। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और साइन बोर्ड नजर आएगा आपको, जहाँ से दोस्तों आप सीधा चिल्ड्रन पार्क की ओर पहुंचेंगे और एक एलिफेंट भी नजर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको चिल्ड्रन पार्क सामने नजर आएगा, उसके बाहर यह बोर्ड नजर आएगा और ये वही वाला एलिफेंट है, बेहद खूबसूरत सा इस बाग की शान एलिफेंट, क्योंकि बहुत पहले से है वो। उसके बाद हम दोस्तों इस गाड़ी में बैठ के इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरती से निहारेंगे। आप लोग भी चलिए और हमारे साथ बैठिए इस गाड़ी पे। अभी भाई हमारा गाड़ी को निकाल रहा है और हम लोग बैठने वाले हैं इस गाड़ी पे। पहले तो इसका हम टिकट लिए इस जगह से, जो कि हमें 20 रुपये पड़ा एक आदमी का, तो हम तीन दोस्त थे तो हम लोगों का 60 रुपये हुआ दोस्तों।
उसके बाद हमने टिकट लेके उस गाड़ी से इस पूरी जगह को घूमा। तो हम बैठ रहे हैं उस गाड़ी में और हमारा भाई पायलट चला रहा है हमारी गाड़ी। इसे आपने देखा होगा पबजी गेम में बग्गी जो होती है, वही है ये दोस्तों। कुछ इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं हमारी बग्गी में। बहुत ही मजा आया दोस्तों, मैंने तो पहली बार ऐसा लुफ्त उठाया लाइफ में, बिकॉज ये वाली गाड़ी तो मैंने पहली बार देखी भी और बैठी भी इस पे। सभी लोग दोस्तों हमें ही देख रहे थे क्योंकि हम ही लोग पहले एक कस्टमर थे उनके इस दिन के, जो इस गाड़ी में घूम रहे थे। और उसके बाद हमारी गाड़ी चल रही है दोस्तों धीरे धीरे, अभी भी हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है दोस्तों, एक्सप्लोर होते हुए पूरा। अब हम यहाँ से मुड़ रहे हैं राइट की ओर। सभी लोग दोस्तों हमें ही देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें घुमाया गया है बग्गी में। आप लोग भी जाके इस बग्गी का लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों, बेहद ही सेफ है ये और बेहद ही आरामदायक भी। दोस्तों इसका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसलिए हमने आवाज़ इसका आपको सुनाया नहीं, बिकॉज हमारा आवाज़ नहीं आता उसकी आवाज़ के सामने। तो कुछ इस तरीके से हमें वहाँ के वापस उसी जगह पर ला के छोड़ दिया गया और हम लोग उतर गए। और ये जो बग्गी था यही दीदी का था जो इस गाड़ी में बैठे है, और ये उसका भाई है। तो फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर पैदल। जो कि लिखा हुआ था हिंदी इंग्लिश और मराठा में। फिर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हिरन नजर आता है जो कि एक है, उस तरफ देख रहा है, शायद वो शर्मा गया कैमरे को देख के। फिर दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक और शेर नजर आता है जो कि इधर उधर घूम रहा है, बाघ। शेर मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, शेर बाघ की प्रजाति। वैसे यह शेर उस तरफ घूम रहा था, उसे इस तरफ घूमना था, लेकिन सही है वो उस तरफ घूम रहा था। इधर वो इसलिए नहीं घूम रहा था, उधर इधर घूमता तो उसको लोग परेशान करते शायद, इसलिए उधर घूम रहा था। शेर समझदार था दोस्तों, घर नजर आएगा खूबसूरत सा जिसपे जानवर रहता है, वह अभी आराम कर रहा है दोस्तों, शायद इसलिए हमें दिख रहा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं और यहीं से इस पूरी जगह को हैंडल किया जाता है, मेन ऑफिस है इस राजबाग जू का वो। और उसके चारों ओर इतना खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे ये कर्मचारी भी नज़र आएंगे इस जू के, जो कि जू में व्यवस्था बनाए हुए है, बेहद ही खूबसूरत साफ सुथरा और आकर्षित। तो आपको साइन बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देगा ही, भालू के पास है हम लोग, और साइन बोर्ड आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और भालू इस सेल का भी आराम कर रहा है बेचारा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन कहाँ है आखिर भालू, काफी ज्यादा भीड़ है भालू के पास। फिर
फिर उसके बाद अलग अलग प्रजाति के आपको भालू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबका नाम आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा और भालू आपको आराम करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भालू सो रहा है दोस्तों। जैसा मैंने बताया, अलग अलग प्रजाति के भालू आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो ये भी उन्हीं में से एक प्रजाति का भालू है जो कि बोल रहा है मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। वैसे बहुत ही करीब से भालू को मैंने देखा पहली बार, और शायद आप लोगों ने भी। उसके दांत देख रहे हो दोस्तों। फिर हम आगे देखेंगे तो ये चीते का साइन बोर्ड नजर आया। चीता यहाँ पे आराम कर रहा है दोस्तों, वो सो रहा था बस। ऊपर देखिए आप लोग करीब से, शायद वो धूप सेक रहा है दोस्तों, सो नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं चीते को। हमारा दोस्त भी खड़ा है, बहुत ही ज्यादा उत्सुक है वह इस जगह को घूमने के लिए। फिर हम पहुंच जाते हैं बंदर के पास दोस्तों, और बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है वो। बहुत सारे यहाँ भी बंदर की प्रजाति आपको नजर आएगी, उछल कूद करते हुए बंदर भी नजर आएंगे, और बहुत सारे लोग भी आपको दिखेंगे जो कि इस बंदर को देख रहे हैं। ऑरेंज कलर का बंदर था शायद दोस्तों। फिर हम देखते हैं तो यह बंदर हमें ही देख रहा था दोस्तों, कुछ खाते हुए। शायद ये उसका ब्रेकफास्ट टाइम था, नाश्ता करने का भी सुबह का समय था। और यहाँ पे जो बंदर की प्रजाति है उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जिसे आप पढ़ के ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, बंदर का अगर आपको फेवरेट खाना पसंद है तो ज़रूर कमेंट करें। मुझे लगता है बंदर का सबसे पसंदीदा खाना होता है फल। और दोस्तों, फिर उसके बाद हम इस बंदर को देखते हैं तो यह धूप सेक रहा है, ठंडी के मौसम का आनंद उठा रहा है। इस सेल में भी बहुत ही सुंदर जीव होता है दोस्तों, जो आपको सामने नजर आएगा। आपको जूम करके भी दिखाया, बाकी सब लोग यहाँ खड़े हैं देखने के लिए यहाँ के खूबसूरत जानवर को। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे शेर के पास जाने का रास्ता है, जहाँ पे आप जा नहीं सकते और ना ही हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर हम देखते हैं हमारे भारत का नक्शा, उसमें जहाँ के जो जानवर प्रसिद्ध है उसका आपको चित्र नजर आ रहा हो। बहुत सारी भीड़ दोस्तों इस जगह का लुफ्त उठाने के लिए आती हुई आपको नजर आएगी, और हम लोग इस जगह का लुफ्त उठा के आगे की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं इस जगह के बहुत ही खूबसूरत से मोगली गार्डन में, और चलते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ का टिकट लेके अंदर की ओर। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। वैसे दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग का पार्क था, लेकिन हमें आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाना था, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे झूला वाला ब्रिज है, बेहद ही तगड़ा ब्रिज था, सस्पेंशन ब्रिज था, यानी कि इस पर आप चलते तो ऐसा लगता कि यह ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, मुझे बेहद अच्छा लग रहा है ब्रिज। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक रोप है, रस्सी, जिस पे लोग चढ़ के उसे पार कर रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे, और हमारे दोस्त भी फिर ऐसे मौके को कहाँ छोड़ने वाले थे, वो लोग भी चल पड़े इसके ऊपर। और कुछ इस तरीके से एक बार में भैया हमारे ज्यादा ही उड़ जाएगा बे रस्सी। अबे तुम लोग जान रखे चलेंगे ना, अपन दूसरी लोग जानते पहले निकलो भाई जल्दी छोड़ा। कुछ इस तरीकों से इन्होंने ज्यादा ही मजा ले लिया है, पूरा
पैसा वसूली मजा ले लिया इन लोगों ने इस रस्सी से मुझे लगा। चलना का ए वाओ चलना इंजॉय कर आराम से कर नियम से कर क्यों भैया तो यह भी पहली बार देखा यहाँ लगा हुआ था बच्चे लोग के खेलने व कूदने के लिए तो इसके ऊपर भी ये लोगों ने बिल्कुल ज्यादा ही मजा लिया मेरे दोस्तों ने और ये बच्चे लोग भी इसका आनंद उठा रहे थे बहुत ही खूबसूरत तरीके से और यह बच्चा रोते रोते बेचारा नीचे उतर रहा था जो कि आखिर उतर ही गया रोते रोते नीचे और ये छोटे छोटे क्यूट से बच्चे ऊपर की ओर चढ़ रहे थे उस रस्सी के जो कि रुक जाते हैं दोस्तों और फिर चढ़ते हैं धीरे धीरे और उसके बाद ये क्यूट सी बेबी आपको दिखेगी जो कि झूला झूल रही है टायर में दोस्तों और यहाँ पे इस पूरे गार्डन का कुछ इस तरीके से नज़ारा आप लोगों को नजर आए फिर हम लोग वहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर बहुत सारी और भी भीड़ आने लगती है दोस्तों क्योंकि सभी को अपना यादगार दिन बनाना होता है इस नए साल के सुबह अवसर बहुत ही खूबसूरत सा आपको पेड़ नजर आएगा नारियल का दोस्तों इस पेड़ में नारियल भी लगे हुए थे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं दोस्तों यहाँ पे पानी भी लगा है लेकिन इसे पी नहीं सकते क्योंकि ये टंकी का पानी है दोस्तों और कुछ लोग यहाँ से वापस इसे देख के जा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे गन शूटिंग करने का भी था दोस्तों आप चाहते तो इसे शूट भी कर सकते थे गन से गुब्बारों को और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हॉन्टेड हाउस दिखाई देगा 3D शो वाला तो यहाँ पे भी आप दोस्तों जाके इसका भी आप लुफ्त उठा सकते हो बेहद ही आकर्षित था ये हॉन्टेड हाउस इतना ज़्यादा आकर्षित कि बता ही नहीं सकते कोई नहीं है रास्ता किधर गया बे ज्यादा नहीं दिखाया है खुद यहाँ ओ मेरी महबूबा आनंद आए और इस तरीके से हम लोग दोस्तों को मीरा करते हैं महाराज बाजारू को बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारा वीडियो देख बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ